ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बरवक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोया और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अमीन। और आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि आज जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई वो तो अनचेंज है, लेकिन इस इंटरेस्ट रेट जो था वो चेंज होने की वजह से क्या फ़ायदे हुए हैं। तो चलिए सर अमीन से पूछते हैं। सर अमीन, आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दें। मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज आई, जैसे हमने पहले भी कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज आएगी। इसके साथ जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो कहा है कि माशी तरक्की थोड़ी सुस्त रही, नई इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगी नहीं और माशी तरक्की की जो रफ्तार बहुत स्लो हुई और कारोबार की वसत में और महंगाई की जो इन्फ्लेक्शन वगैरह इसके फिगर थोड़े बड़े हैं। खैर, इनका पहले से इरादा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को अनचेंज करें, तो अब ये कि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जो इस पर और जो जबान की थी उस पर कायम रही कि अनचेंज रही, बल्कि हालांकि इन्फ्लेशन के फिगर बढ़े। अगर ये कि पेट्रोल की कीमत अगर आइंदा बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, माना कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा भी नहीं, हो सकता है कम हो जाए। अब ये कि दुनिया पर जो कम्यूनिटी इस पर डिपेंड करता है कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं ये इसकी कीमत बढ़ती है तो फिर बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट आगे, वरना नहीं बढ़ेगा। वैसे सर, ये जो इंटरेस्ट रेट में पहले इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो उसके क्या फायदे हुए कंट्री के लिए? इंटरेस्ट रेट इसलिए किया जो बेगारत थी, जो शराय सूद इसलिए बनाना था कि जो गर्दी से कर्जे हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं वो कम मिले थे और अब ज़्यादा मिले। अब दूसरी के जो लोग अनाज के अंदर जख़ीरा अंदोजी करते हैं, जैसे दूसरी कम्युनिटी में चले जाते हैं कि भाई इसमें बाइंग करके होल्ड कर लेते हैं, तो अब ये कि इनको बैंक से अगर रिटर्न मिल जाता है तो फिर ये कम्युनिटी की तरफ कम जाते हैं और ये जो ज़खीरा अंदोजी कम हो जाती है और डॉलर का जो डॉलर में उठाव कर लेते हैं मनी चेंजर वाले, मतलब मनी मार्केट वाले और इंडिविजुअल पर्सन, बोला डॉलर ले लो बढ़ जाएगा तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अगर इनको बैंक से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है तो ये डॉलर की तरफ नहीं जाते, वो बैंक की तरफ चले जाते हैं। तो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए होता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं ताकि जो जो गर्द जो ज़्यादा जो मनी घूम रही मार्केट के अंदर वो कवर हो जाए। और सर आप मुझे बताएं कि वो NRSL के बारे में बताएं कि आज इसका जो रेट है वो पहले 5 रुपीज़ था, अभी 10 रुपये हो गया है। नहीं, NRSL का ये कि जो इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये थी अब 10 रुपये हो गई, तो इसके जो शेयर थे वो आधे हो गए, 50% शेयर हो गए। ये 20 रुपये में इसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 20-22 रुपये ट्रेड करता था वहाँ से 40 रुपये पे आ गया। अब ये कि वो जो मई से लेकर अभी तक जनवरी तक आप देख लेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर मुसलसल क्राइसिस है। जब से बजट अनाउंसमेंट हुआ, हालांकि बजट की जो गवर्नमेंट के स्पीकमैन है और गवर्नमेंट के अपने जो पेड ब्रोकर है उन लोगों ने काफ़ी तारीफ की और पीछे से लोगों ने पब्लिक को शेयर डाल दिए और ये बजट बिल्कुल ऐसा डमी बजट था या ऐसा फेक बजट था बिल्कुल, कि इसमें लोग मतलब तबाह हो गए बजट के अंदर। जब से बजट आया इसके बाद से जो मार्केट के अंदर मंदी हुई मई से लेकर अभी जनवरी तक, इसमें इसका 40 रुपये से 16 रुपये रेट हो गया। हालांकि इसका जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो इसका एक दो चार बड़े ब्रोकर लोगों ने इसकी होल्डिंग की हुई थी तो इनकी होल्डिंग छुड़ाने के लिए की हुई है। हालाँकि इनके जो होल्डिंग है इनके शेयरों के एक म्यूचुअल फंड के पास है जो उसने होल्डिंग रखी हुई है, मगर ये इसमें बाइंग करने के लिए नहीं आ रहा, कंपनी भी नहीं आ रही। 40 रुपये से बिल्कुल 16 रुपये हो गए, लोग इसमें तबाह हो गए क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में था, लोगों ने इसमें उधार में भी काम किया, उनके लोगों को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई। तो इस किस्म की कंपनियाँ जब इनको मर्जिंग की कहानी हो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ना आए क्योंकि काफ़ी लॉसेस हो जाता है। और दूसरा ये कि बजट के बाद मिनी बजट आया तो भी इतना मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा, रिफाइनरी पॉलिसी भी नहीं आई, ये सारी अवामिल है। मॉनेटरी पॉलिसी आज शुक्र अल्लाह का कि अनचेंज आई और सारे अवामिल हेस्कोल का स्कैंडल आया जो 3 साल 2 साल पुराना होता है, ये सब चीज़ें जो है जो ना खुलने वाली अब खुल रही है वो एक साथ इस तरह खुल रही है जैसे बिल्कुल मंदी में हर चीज़ मंदी बिल्कुल ज़ीरो कर दे। तो इस किस्म की सिचुएशन में मार्केट का बहुत बुरा हाल होता है, इन्वेस्टर का भी बहुत बुरा हाल होता है कि इनको तहफ़ुज़ा दिया जाए जो मार्केट में जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी करता है और पाकिस्तानी शेयरों में और पाकिस्तानी करेंसी में जो काम करता है उसका हौसला अफजाई की जाए। बाजार है कि आपके जो यूरोप की करेंसी में या डॉलर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको आप हौसला अफजाई दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी को मार रहे हैं, ये बिल्कुल एक सरासर नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम करें कि डॉलर की जो लें उनकी हौसला सिकनी करें और जो शेयर लें उनकी हौसला अफजाई करें। राइट,
और सर आप मुझे बताएं कि जो क्रिसेंट जूट और एमटेक्स कंपनी है कि आपने कहा था कि वो अभी नॉर्मल काउंटर पे आएगी लेकिन इससे वहाँ उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही। ये आने वाली थी नॉर्मल काउंटर में, इनका कंप्लेन का इशू चल रहा है अब। ये कि इनके दो एक दो रोल रूल रेगुलेशन कुछ इनकी कंप्लीट नहीं हुई, लिस्टिंग फीस वगैरह नहीं भरी लोगों ने और बोर्ड मीटिंग भी शो नहीं की। और जो एमटेक्स था वो इसका जो केस चल रहा है, जो एक ब्रोकर के जो डायरेक्टर वगैरह अरेस्ट हुए थे उनको जमानत हो रही है, मगर ये कि पब्लिक को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। पब्लिक को भी रिलीफ मिलना चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अब तो केस ख़त्म कर देंगे मगर पब्लिक को क्या फ़ायदा। पब्लिक का जो एमटेक्स जो 18 रुपये में आया था बिल्कुल लेके अब एक दो कुछ पैसों में सस्पेंड हुआ है। अब लोग यहाँ से भी कह रहे हैं कि कुछ तो आ जाए हमारे हाथ में, मगर ये कि उसमें कुछ ही नहीं हो रहा। वैसे छोटे छोटे इशू करके इस कंपनी को और लोगों के इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल दफन कर दिया गया है। इस तरह के इशू नहीं करने चाहिए। इसके लिए जो SECP है, स्टॉक एक्सचेंज है, जो इदारे हैं, जो उनको तवज्जो देनी चाहिए कि जो आम लोग हैं, यतीम हैं, बेवा हैं और जो ओल्ड एज बेनिफिट ओल्ड एज वाले हैं, जो अपनी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी लोगों ने स्टॉक मार्केट में लगा दी कि हम जब बुढ़ापे में अपने जो ये शेयरों में फ़ायदा होगा या डिविडेंड आएगा, मगर इस तरह तो नहीं हुआ, बिल्कुल इनकी इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो कर दिया। तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है इसमें बिल्कुल इनकी इन्वेस्टेशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूम करें और इनको पकड़ तकड़ करें। जो लोगों ने फ्रॉड किया इसको तो आप छोड़ रहे हैं और पब्लिक को आपने फंसा के रखा हुआ है। सर आप मुझे ये बताएं कि 12 जनवरी से मैं देख रही हूँ कि टेक्निकल्स भी शो करें कि कैसी 100 इंडेक्स जो है वो नेगेटिव ही जा रही है, नीचे ही जा रही है, तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या है? एक तो पहले सब कह रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी तो इसलिए मार्केट में चलो नीचे आ रहा है, TRG इशू था या उसके अलावा IMF का इशू था या कभी कोई ना कोई बात हो जाती थी तो मार्केट नीचे चली जाती, तो वो तो मेन जो रीजन है तो मार्केट ये 12 जनवरी से ऊपर नहीं हो रही, तो उसका क्या रीजन है? मेन रीजन तो ये कि अभी जब से जनवरी आया था कि मिनी बजट का था और इसी रिफाइनरी पॉलिसी के था। अब मिनी बजट तो आ गया मगर अब मिनी बजट के बाद जो इम्प्रूवमेंट होना था वो तो हुई नहीं। डॉलर भी अपनी जगह पे रुक गया है, नई इन्वेस्टमेंट आई नहीं, जो फ्रंट मार्केट की आने वाली थी वो भी नहीं आई। गवर्नमेंट रिफाइनरी पॉलिसी आज तक ऐलान नहीं कर सकी, 3.5-4 साल हो गए, ना ऑटो पॉलिसी कर सकी, ना कोई रिफाइनरी पॉलिसी कर सकी, ना टेक्सटाइल पॉलिसी कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी सिवाय बातों के। अब ये कि बातों का टाइम नहीं है, अब बिल्कुल ऐसा है कि आप यहाँ से कुछ परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो अगली हुकूमत आपकी होगी। इस तरह तो आपको कोई प्लेट मिला के नहीं दे देगा कि चलो भाई आप ठीक है, आप बातें बहुत अच्छी करते हो तो हुकूमत ले लो, आप कुछ काट के दिखाओ तो मिलेगी। बल्कि आपने तो ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट किया है जो ब्यूरोक्रेट्स की जो पिछली हुकूमत थी उसको भी तबाह कर सके। वही मिनिस्टर आपके साथ आए जिन्होंने रिफाइनरी पॉलिसी आने दे रहे हैं, नाटो पॉलिसी आने दे रहे, अपनी कंपनियां बना के उसी को प्रॉफिट कर रहे हैं और जो अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने वोट दिया था वो सब घरों में बैठे हुए हैं। तो उनको आप आगे बढ़ाएं और इस एक साल में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, एक साल बहुत होता है। बाजार आपके टेक्नोकर का अभी एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो गए तो ये भाग जाएंगे सब आगे जाके, और जो अवामी नुमाइंदे वो तो यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, मगर इनको टेक्नोकर को भागने ना दें बल्कि इनको अरेस्ट करें और उनकी कंपनियों को सील करें और उनको जो बेनिफिट जो इन लोगों ने अपनी कंपनी को उठाया ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी को दे। सर पता नहीं कि लोग यहाँ मार्केट से कब फायदा उठाएंगे क्योंकि ये तो फिलहाल आपने सही कहा कि सिर्फ बातें ही हो रही है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं रही, कुछ कर नहीं रहे। मीन जैसे कि रिफाइनरी पॉलिसी का कहा था, जैसे कि चले मॉनेटरी पॉलिसी तो अनचेंज हुई है, IMF का चल रहा है तो अभी इनका कुछ हो नहीं रहा। तो सर अभी मुझे ये बताएं कि कल भी मार्केट कैसी परफॉर्मेंस आप देखें, मार्केट के अंदर बिल्कुल सड़ाट हो गए, लोग इन्वेस्टर मायूस हो गए। अब ये कि अनचेंज हुई है, कुछ आना चाहिए मार्केट के अंदर। अब ये कि नए नए स्कैंडल आ जाते हैं जो पुराने कहलाते हैं मगर आते हैं नए नए तरीके से, तो ये बिल्कुल मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं। इनकी जो आप जिन लोगों ने अगर करप्शन की है उनको आप पकड़ें, उनके पकड़ने के बजाय आप पब्लिक के ऊपर प्रेशर डाल लें, उनके शेयरों के रेट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शेयरों की पब्लिक की है, कंपनी वाले तो अपना प्रॉफिट लेके और अपना करप्शन करके या ज़्यादा मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग करके अपना प्रॉफिट ले गए, और ये कि पब्लिक के पास जो चीज़ें डाल दी उस पर और मज़ीद प्रेशर आ रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन ना करें बल्कि जो जिम्मेदार है उनको पकड़ें और उनसे वसूली करें, और बाकी के या पब्लिक सेक्टर में जो आइटम है उनको सही तरह चलने दें, उनके अकाउंट्स वगैरह की तरफ तवज्जो दें ताकि इनका अकाउंट्स वगैरह सही तरह नज़र आए। अब ये कि टीमें बन दी जाती है 6-8 मिनट में तो कुछ रिजल्ट नहीं आता, इसके बाद नया स्कैंडल आ जाता है, तो इन शेयरों में और पब्लिक के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी दबाव होता है, बिल्कुल ज़ीरो कर देते आगे जाके या बंद कर देते तो फिर खोलने का नाम नहीं लेते। तो इस किस्म की सिचुएशन चलेगी तो पब्लिक तो यहाँ काम नहीं करेगी, ना गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू मिलेगा ना पब्लिक को कुछ मिलेगा। और थैंक यू सर,
वैसे बहुत सारे लोग ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम सॉरी आप ना इंटरव्यू के लास्ट में या वीडियो के लास्ट में आप हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बता दें जहाँ जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें और हमें उससे फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, एक तो आपको मैं कहूँगी कि आपको न्यूर एनर्जी के शेयर्स बाय कर लें, वो लॉन्ग टर्म के भी अच्छे हैं और वहाँ से डिविडेंड भी मिलता है। कोई सॉरी लॉटिकम है, उसके अलावा PSO है, फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है और बहुत सारी कंपनीज हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन की कंपनी है। और उसके अलावा सर आप भी कुछ बता दें। अभी ये तारिक गिलास से सेफ पावर का डिविडेंड आया और हब पावर है, और अभी ये कि बैंकों का जो अभी जो क्लोजिंग है दिसंबर की, उनके जो डिविडेंड आएंगे, फैसल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, UBL है, हबीब बैंक है, इनमें काफ़ी अभी गुंजाइश मौजूद है। मगर सर ये कि मार्केट चलनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे स्टॉक की तरफ तो गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से कवर हो सकता है। वैसे देखा जाए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, कुछ मकसूद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो पूरे आवाम को जो बड़े बड़े फंड हैं उनको तबाह किया जा रहा है। महंगे IPO आते हैं और 5-5% 100% 1000-1000% 1200% राइट आ जाते, जो कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है उनका इतना इतना राइट आ जाता है और फिर उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी बदतर हो जाती है। इस तरह तो बिल्कुल हमारे फंड को और हमारी आवाम को बिल्कुल दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ऐसे सर आज भारी पेट्रोलियम पे भी थोड़ी रिसर्च हुई थी, देखिए इसने भी 62 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और उसका मार्केट शेयर प्राइस 1600 है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टिंग। हमारी गेस्ट अभी ये कि 10,000 के करीब इसका, 1000 के 1000 रुपये के करीब इसका रेट है, तो ये तो 16 तो इसका तो अभी के पब्लिक के पास इनके शेयर ही नहीं है, फंड वालों के पास है। ये वक्त था कि 90 के करीब ट्रेड हो रहा था, मगर इसमें फ्लो लॉक लगा हुआ था कि ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकता, इसके बाद इसका लॉक खुल गया और ये कि इदारों के पास चले गए शेयर, पब्लिक के पास तो नाम ही ना होने के बराबर है ना 100 इंडेक्स के अंदर ये आइटम है। थैंक यू सर, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मार्केट के बारे में। उसके अलावा हमने आपको कंपनीज भी बता दी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।